Fights क्या है टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एज वैलर क्रिप्टोगैम्स इसको क्या बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स भी बोला जाता है और इसको ये और दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं सीडलेस वस्क्यूलर प्लांट्स टेरिडोफाइट को ठीक है सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट के हिसाब से भी ये जाना जाता है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स रैदर देन सीड्स के जगह पे ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल हॉर्स टेल इक्विसेटम जिसको बोलते हैं और क्लब मॉस जो कॉमनली नोन और इसका जो साइंटिफिक नेम है लाइकोपोडियम दीज आर फाउंड नियर द मार्शी कूल एंड डैम्प प्लेसेस जो जगह मार्शी है और ठंडा है और मॉइस्ट है डैम्प रहे ठीक है वहां पे ये जो टेरिडोफाइट्स है ये मिलता है इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है ठीक है व्हिच इज डाइप्लॉइड इन नेचर व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स इसके पास ट्रू रूट रहता है स्टेम रहता है और लीव्स रहता है लीव्स जो है वो स्मॉल होते हैं यूजुअली जिसको बोलते हैं माइक्रोफिल्स और ये एज इन सेलेज मैक्रोफिल्स एज इन फर्स ठीक है तो लीव जो होते हैं वो स्मॉल रहता है इन माइक्रोफिल्स एज फॉर एग्जाम्पल सेलेजा और लार्ज रहता है माइक्रोफिल्स में एज फॉर एग्जाम्पल फर्स तो स्पोरफाइट जो है वो बियर करते हैं स्पोरजिया विच कंसिस्ट ऑफ लीव लाइक एपेंडेजेसोरजिया कंटेन करते हैं और उसके पास लीफ लाइक -like एपेंडेजेस रहता है कॉल स्कैटर्ड इन द प्लांट और मे बी क्लस्टर्ड इन डेफिनेट एरिया कुछ कुछ एरिया में प्लांट के ये स्कैटर्ड रहता है कुछ कुछ एरिया में ये क्लस्टर फॉर्म में रहता है ग्रुप फॉर्म में रहते हैं ठीक है थीके? और उसको बोलते हैं स्ट्रॉबेली और कोन्स एज फॉर एग्जाम्पल सेलाजिनेला ठीक है

हेट्रोस्पोरस ठीक है दैट इज अ मैक्रो दैट इज़ अ लार्ज एंड माइक्रो दैट इज़ अ स्मॉल द स्पोर्स जर्मिनेट ये स्पोर्ट जो है वो जर्मिनेट करते हैं और क्या पैदा करते हैं पैदा करते हैं इन्स्कोस्पीश्यूस ठीक है स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग ठीक है ये छोटा होता है लेकिन मल्टीसेलुलर होता है इसके पास बहुत सारा सेल्स मौजूद रहता है और इन नेचर में ये फ्री लिविंग है जो मोस्टली थैलॉइड गैमेटोफाइट है, है उसको बोला जाता प्रोथेलस। गैमेटोफाइट जो है ये ग्रो कर ये, ये ग्रो कर सकता है ओनली इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस ठीक है ठंडा मॉइस्ट जगह पे और जहां पे धूप नहीं पहुंचता हो वैसे जगह पे गैमेटोफाइट जो है वो ग्रो कर सकते हैं विच एज रेस्ट्रिक्टेड द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट ठीक है टेरिडोफाइट को वो स्प्रेड करने में रेस्ट्रिक्ट करता है टू अफिकल रेंज ठीक है द गैमेटोफाइट जो होते हैं वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों बेयर करते हैं उसको बोलते हैं एंथेरिडिया और एर्किगोनिया ठीक है रेस्पेक्टिवली मेल को बोलते हैं एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया जो मेल गैमेट होता है टेरिडोफाइट के वो स्विम कर सकते हैं टू आर्किगोनियम वेयर जाइगोट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो मेल गैमेट जो है टेरिडोफाइट के वो स्विम करते हैं आर्किगोनियम आर्किगोनियम में जहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो जा, जो जाइगोट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइड जो जाइगोट फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफाइड जो कि एक डोमिनेंट फेज है जाइगोट जो है वो डेवलप करते हैं यंग एम्ब्रायो में जाइगोट डेवलप करते हैं खुद को और किसमें डेवलप करते हैं एम्ब्रायो फॉर्मेशन में विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ये जाइगो डेवलप करके एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है दिस इवेंट इज कॉल्ड एज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट ठीक है इसको प्रीकर्सर टू सीड हैबिट भी बोला जाता है एंड इज कंसीडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन ये एवोल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेज है टेरिटोफाइट जो है ये यूज होता है मेडिसिनल पर्पज के लिए ठीक है मेडिसिनल पर्पज के लिए मेडिसिन बनाने में इसका मदद लिया जाता है और ये सॉइल भी बाइंड करने में मदद करता है ठीक है तो they are also grown as ornamentals. इसको ornamentals के हिसाब से भी मतलब डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है टेलिडोफाइज जो होते हैं ये सब डिवाइडेड रहता है चार क्लासेस में जिसको बोलते हैं सिलोपिडा जिसको सिलो दैट इज अ सिलोटम, लाइकोपसिडा जो कि एग्जाम्पल है सिलाजिना और सिलाजिनेला uh, और लाइकोपोडियम और स्पेनोपसिडा spinop, uh, जिसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम और टेरिडोपसिटा जिसको जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोपटेरिस टेरिस और एडियंटम ठीक है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स किसको बोलते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स जो ओव्यूल रहते हैं ये दे आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल जिम्नोस्पर्म में क्या होता है जो ओव्यूल मौजूद रहता है वो कोई ओवरी वॉल के अंदर नहीं रहता है और ये एक्सपोज रहता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बिफोर और आफ्टर दोनों में ये एक्सपोज रहता है दस द नेकेड सीड्स जो होते हैं जो नेकेड सीड्स होते हैं वो दैट आर फॉर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड नो फ्रूट फॉर्मेशन ऑकर्स ठीक है तो जो नेकेड सीड ये इसको नेकेड सीड भी बोला जाता है और ये फॉर्म करता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने फर्टिलाइजेशन के बाद ये फॉर्म करता है और यहाँ पे कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है प्लांट जो है वो पोजेस करते हैं टैप रूट सिस्टम ठीक है जो कि ऐसे देखने में होता है जो मेन एक ये रहता है और इसके साथ साथ ऐसे दिस इज द टैप रूट सिस्टम दिस इज द मेन रूट ओके सो द टैप रूट सिस्टम को ये पोजेस करते हैं और इन सम फॉर्म्स कोरालॉइड रूट्स ठीक है प्लांट रूट एसोसिएटेड विथ ठीक है, जो रूट्स एसोसिएटेड रहता है के साथ, और फॉर एल्गाइड साइकस ठीक है ऐसे uh, roots को बोलते हैं ठीक है, roots, और माइकोराइजा एज फॉर एग्जाम्पल पाइनस द स्टेम्स आर एरियल इन नेचर इरेक्ट होता है ठीक है वुडी होता है ब्रांच होता है और अनब्रांच भी होता है एरियल होता है मतलब ग्राउंड के बाहर रह सकता है इरेक्ट हो सकता है स्ट्रेट जा सकता है वुडी होता है वुडी इन नेचर होता है ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है लीव्स जो होते हैं वो यूजुअली डायमोर्फिक इन नेचर होता है जो कि टू टाइप्स के है लार्ज ग्रीन फॉलियज लीव्स है और स्मॉल ब्राउन स्केल लीव्स होते हैं ठीक है द जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हेटरोस्पोरस इन नेचर है हेटरोस्पोरस मतलब वो दो टाइप के स्पोर spor, स्पोरोफाइट को जन्म दे सकता है मतलब ये माइक्रोस्पोर को जन्म दे सकता है और मेगास्पोर को जन्म दे सकता है इन कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेली और कोनंस ठीक है तो ये जो स्ट्रोबेली होता है ये बेयर करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स ठीक है ये क्या बेयर करते हैं इसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है और होता है। आर कॉल्ड एस माइक्रोस्पोरजियन एट और ये और मेल स्ट्रॉबेली ठीक है तो ये स्ट्रॉबेली स्ट्रॉबेली के पास अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरजिया होता है सो दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरजीएट और मेल स्ट्रॉबेरी उसको बोला जाता है ये डेवलप कर, करते हैं इनटू अ हाइली मेल गैमेटोफाइट में हाईली मेल गैमेटोफाइट में ये डेवलप कर सकते हैं और बाद में जाके ये ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं ठीक है ये जो कॉन होता है कॉन बियरिंग जो होते हैं विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड और फीमेल स्ट्रॉबेरी ठीक है जो होते हैं वो मेगा और मेगास्पोरेंजिया जो है new, new cellars, जो cellars, uh, है बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स ठीक कंजिस्ट ऑफ न्यू न्यूसेलस जो कि न्यूसेलस कैरी करते हैं फ्रॉम विच आ मेगास्पोर मदर सेल डेवलप्स ठीक है जो uh, ओव्यूल्स रहते हैं रहते हैं और Ovels को मेगास्पोरेंजिया भी बोला जाता है ये किसके पास ये रहता है ये मेगास्पोरोफिल्स में रहते हैं ठीक है मेगास्पोरोफिल्स में क्या रहता है न्यूसेलस रहता है फ्रॉम विच आप मेगास्पोर मादर सेल डेवलप्स ये इससे इस न्यूसेलस से मेगास्पोर मादर सेल डेवलप करते हैं वन मेगा स्पोर आउट ऑफ फोर डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइल। चार मेगा मेगा चार स्पोर से सिर्फ एक ही मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं बेरिंग टू और मोर आर्किगोनिया दट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गेन ठीक है more, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ऑफ जिम्नोस्पर्म ठीक है पोलनग्रेन्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो जर्मिनेट करते हैं और उसके बाद रिलीज करते हैं मेल गैमेट्स ठीक है इन टू ओव्यूल ओविल के अंदर वो मेल गैमेट को फीमेल सॉरी मेल गैमेट को वो रिलीज करते हैं जहां पे क्या होता है जाइगोट फॉर्मेशन होता है क्योंकि फ्यूशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स होता है उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है तो ये जो जायोड होता है वो धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप करते हैं टू फॉर्म द एम्ब्रायो एम्ब्रायो में ये कन्वर्ट कर डेवलप करते हैं और ओव्यूज जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में ठीक है जो कि नेकेड रहता है आज के लिए इंपॉर्टेंट नोट यही पे खत्म होता है आगे चल के और भी इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग लेंगे तब तक के लिए थैंक यू